नमस्कार बिहार, मैं आशीष पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस पे। तो बिहार में एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी आने वाला है, आप लोग को ऑलमोस्ट 2.5 लाख के अप्रोक्स बोला जा रहा है जो टीचिंग की वैकेंसी होगी। इसका सच क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी जगह आप लोगों ने वीडियो देखा होगा इतनी टीचर की वैकेंसी आ रही है, क्या ये सही है? और खासकर ये बिहार वालों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी हमारे बिहार के विद्यार्थी हैं जो अभी तक एक तरह से बोला जाए जो टीचर है, पहले से भी आप बिहार में टीचर रह चुके, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि जो उनकी सैलरी थी ना वो बहुत कम थी। अगर बाकी के टीचर के कंपैरिजन में देखा जाए तो उनकी सैलरी बहुत कम थी, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सैलरी पाने का बहुत बेहतरीन मौका है जो बिहार गवर्नमेंट ने ये शिक्षक भर्ती जो 7th फेज है ये क्या है, इस नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों के सामने पूरी तरह से क्लियर करूंगा बहुत ही कम समय में, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, जो ये 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 आने वाली, ये जल्द ही आपके बिहार विद्यार्थियों के लिए इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये जुलाई तक इसका प्रक्रिया जो है, जून में आपका, मई लास्ट में इसके नोटिफिकेशन हो सकता आ जाए, उसके बाद से जून से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, मतलब बहुत तेजी से स्टार्ट होगा। एक्चुअली इसके आने के पीछे का कारण क्या है, देखो ये जान लो कि पहले क्या होता था बिहार में, अभी तक जो शिक्षक हैं वो राज्य के कर्मचारी नहीं कहलाते थे। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि जितने लोग टीचर थे वहां पर एज ए प्राइवेटली उनको सपोज करो हायर कर लिया गया, मानदेय पर रख लिया गया और उनको छोटा सा एक वेतन 20-22 हजार का वेतन देकर उनसे टीचर का काम कराया जाता था, लेकिन वो परमानेंट राज्य के कर्मचारी नहीं माने जाते थे। इस नियमावली के बहाल होने से अब वो जो टीचर हैं वो राज्य के कर्मचारी माने जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ मानदंड है जो आपको फॉलो करने होंगे। अगर वो चीजें आप प्रोसेस कर जाते हो तभी आप टीचर कहलाओगे अब बिहार में, ठीक है? यहां पर बिहार में बिहार टेट तो होता था लेकिन सुपर टेट नाम का कोई भी चीज नहीं होता था। तो वहां पर जो बच्चे ये टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती थी वो पास कर लेते थे। मतलब अगर मैं बताऊं कि इससे पहले बिहार में टीचर का रिक्रूटमेंट कैसे होता था, तो पहले रिक्रूटमेंट आपका जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के परसेंटेज हैं प्लस आप लोग बीएड या डिप्लोमा जो भी किए हैं उसके परसेंटेज के बिहाफ पर आपकी मेरिट बनती थी। फिर आपको कॉलेज जहां पे खाली होता था पोस्ट वहां टीचर एज ए अलॉट कर दिया जाता था। तो वही बोला जाए आप शिक्षक भर्ती, मतलब आप पर सुपर टेट नाम की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी, लेकिन इस नियमावली के बहाल होने से जो आपका पहले परसेंटेज के बिहाफ पर होता था वो आपका रिक्रूटमेंट परसेंटेज के बिहाफ पर नहीं होगा। अब जो है इसकी एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी, मतलब लिखित मतलब वो सब्जेक्टिव नहीं, एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा होगी, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा होगी और जिसे हम लोग यूपी में जैसे जानते हैं ना सुपर टेट, वैसे ही बिहार सुपर टेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बिहार का सुपर टेट कहलाएगा। इसी परीक्षा के जो भी अंक आप अर्जित करेंगे इसी के बिहाफ पर, बाकी अभी डिटेल, इसी के बिहाफ पर आपका टीचर पर चयन किया जाएगा, ठीक है? और एक बात यहां पर यह भी है कि यहां पर देखते हो कि हर बार आपको अटेम्प्ट नहीं मिल रहा है टीचर के लिए, यहां सिर्फ बिहार सरकार ने 3 अटेम्प्ट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये जो वैकेंसी आएगी जो हमें देखने में मिल रहा है कि 2 लाख के अप्रोक्स सीटें खाली है, जाहिर सी बात है अभी तक जब टीचर आपका राज्य का कर्मचारी नहीं था तो जितने मानदेय पे लगे हुए हैं और पहले से जो सीटें खाली हैं सब मिला के सभी पर टीचरों की वैकेंसी होगी। तो यहां पर केवल बिहार के विद्यार्थियों के लिए, मतलब जिसका डोमिसाइल बिहार का हुई वह बनी टीचर बिहार में, समझ लो भैया, ठीक है? तो ये जो बीटेट किए होंगे, बिहार टेट दिए हैं, और यहां पे एक सहूलियत ये है कि अगर आप लोगों ने बिहार टेट ना ही पास कर ले वाला, अगर सीटेट पास कर ले वाला तब वो एकदम निश्चिंत रहो, बस बिहार का आपका निवासी होके चाहिए, ठीक है? अगर आप पूरे ऑल इंडिया कहीं रहो, ठीक है, आप उड़ीसा में रह रहे हो लेकिन बिहार का आपका निवास प्रमाण पत्र बनल बा, तो आप लोग का करबो, आप बिहार से फॉर्म भर सकत हो टीचर का, ठीक है? अब बात करें ये पेपर के कराई, ये पेपर जो आपके कराई है वो आपका बीपीएससी का है, कि बीपीएससी जो आपका विभाग है वो बहुत ही रेगुलर और सही तरीके से पेपर को कंडक्ट कराता रहा है, इसके इतिहास को देख लिया जाए तो।
तो चांसेस यही है कि जो सुपर टेट आपका होगा उसको बीपीएससी कराएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपके हेडमास्टर के एग्जाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है। तो इतने पॉइंट आपके जो नियमावली है बहुत लंबी चौड़ी है, उसे पढ़ ही नहीं पाएगा आप लोग, तो ये हम बता देते हैं पॉइंट में। ये 18 देखो एज यहां निर्धारित कर दिया गया है कि जो प्राइमरी का टीचर बनेगा उसकी उम्र 18 हो एक चाहिए, और जे अदर जो भी माध्यमिक वाले हो गए उनकी एज 21 से ऊपर होना चाहिए, उनके लिए ये एज क्राइटेरिया है। और महिलाओं के और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 50% सीट तो भैया महिला के लिए रिजर्व है, एकदम निश्चिंत रहिए जितनी लोग महिलाएं हैं बिहार के लिए। तो ये सुनहरा मौका किसको मिला है, ये जितने भी विद्यार्थी कहीं रह रहे हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर वो बिहार का निवास रखत हैं तो फार्म भर सकत हैं। 2 लाख वैकेंसी में एक ठो सीट अपन टीचर का पक्का कह सकत हो, 4200 ग्रेड पे की नौकरी पा सकत हो, ठीक है। जो ना भाई 22,000 रुपया मिलत रहे अब 4200 ग्रेड पे, मतलब ओवरऑल 50,000 रुपया का आदमी बन जाइबो, ठीक है टीचर पे, ठीक ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, 3 अटेम्प्ट आपको दिए गए हैं, ठीक। अब रही बात कि इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये कैसे हम तैयार, क्योंकि जब भी ये प्रक्रिया शुरू हुआ बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर हम बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी ने हेडमास्टर का पेपर लिया था, और हेडमास्टर के पेपर में अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या था, तो 100 क्वेश्चन आपका अलग था, 50 क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से था, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो आपके 50 क्वेश्चन थे, टोटल 150 क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया गया था। तो ऑलमोस्ट आपका कई जगह नोटिस वायरल हो रहा है कि आपका ये 40 क्वेश्चन लैंग्वेज से रहेगा, 10 लैंग्वेज कुछ भी नहीं था इस हेडमास्टर में। तो 100 क्वेश्चन में क्या था, आपका जीके जीएस था, ठीक है, उसके बाद से इसी में 20 क्वेश्चन, मतलब जीके जीएस का 80 क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग था, ठीक है, मैथ और रीजनिंग आपका मिला के 20 क्वेश्चन था, और 50 क्वेश्चन आपका जो था चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड था। अब ये हो सकता है कि 150 क्वेश्चन आपका रहे, मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, बाकी आपका जैसे ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आएगा वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें तैयार करके रखिए, आपको वैकेंसी में भाग लेना है। इतना जानो कि अगर शिक्षक भर्ती है तो ये सब्जेक्ट तो पूछेगा ही पूछेगा, क्यों पूछेगा कि नहीं पूछेगा, एकदम पक्का है चाइल्ड साइकोलॉजी पूछेगा, चाहे कम पूछे चाहे ज्यादा पूछे। अगर हम कंपेयर करें यूपी टेट से, तो यूपी टेट में भी अगर यूपी टेट नहीं, यूपी के सुपर टेट से अगर हम कंपेयर करें, इसके सुपर टेट से कहें कि इसी तरह हो सकता है एग्जाम हो, तो इसके में भी 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी बेस्ड है, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, और भी आपके स्किल्स मिला के 30 क्वेश्चन ओवरऑल आते हैं। तो ये 30 आते हैं ना, यहां पर मास्टर वाले में हेडमास्टर में हमने देखा 50 है, तो ओवरऑल ये आप मान सकते हो सिनेरियो कि अगर सुपर टेट का कॉपी पेस्ट हुआ यूपी के, तो 150 क्वेश्चन यहां भी बनता है, और इसमें तब लैंग्वेज शामिल हो जाता है, लैंग्वेज 40 क्वेश्चन आपका शामिल हो जाता है, और वही नोटिस सुपर टेट वाला कॉपी पेस्ट करके लोग यूट्यूब पर चला ले, ये रहा बिहार सुपर टेट का सिलेबस, से इससे करिए तैयारी। अभी कोई भी आपका वेबसाइट पर एक तरह से बिहार के कोई भी ऐसा चीजें नहीं आई हैं, तो उससे भ्रमित मत होइए आप सभी, ठीक है। बस इतना एक्सपेक्टेशन रखिए कि आप में ये पेडोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी तो आएगा आएगा, क्योंकि ये टीचिंग वैकेंसी है, इस ये सब्जेक्ट तो कंफर्म है। अब क्वेश्चन कम और ज्यादा हो सकते हैं। रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस भी बिहार से रिलेटेड आपका, बिहार से और ऑलरेडी भी आपके जीके जीएस जरूर पूछा जाएगा। मैथ रीजनिंग की बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहेंगे लेकिन पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको टीचर बनाया जा रहा है, और टीचर जो प्राइमरी का होता है उसे सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग भी आएगा, लेकिन कितना आएगा इसे कहना अभी कुछ ये नहीं है कि कितने प्रश्न इससे आएंगे, 10-10 प्रश्न हो सकते हैं, 20 प्रश्न, 5 प्रश्न हो सकता है, कुछ भी इसका सिनेरियो, लेकिन आएगा। सिलेबस मैथ रीजनिंग का जितना होता है वही पढ़ना है,
चाइल्ड साइकोलॉजी के जितना आपका एनसीटी की द्वारा डीएलएड में जो चाहे बीएड में पढ़ाया जाता है सिलेबस उसी के इर्द गिर्द पूछेगा। जो खासकर जब सीटेट को अलाउ किया है तो सीटेट का जो सिलेबस होगा वही आपके इसका भी सिलेबस चांसेस है होगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। तो आपको तैयारी एकदम जोर से करनी है इसके लिए। परीक्षा प्लस टीम भैया बिहार वालों जान लो, तुम लोगों के लिए स्पेशली एकदम बिहार वालों के लिए भयंकर एकदम फ्री, एकदम फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बिहार टीचर वैकेंसी के लिए बैच लेकर आ रही है। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो के टेलीग्राम लिंक दी गई है वहां पे आप सभी ज्वाइन हो जाइए। पूरा प्रोसीजर कि कैसे आपका बिहार सुपर टेट की तैयारी हम जीरो से हीरो लेवल तक कराएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। सीडीपी एकदम धुआं धुआं मचा दिया जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। कंप्यूटर भी थोड़ा मोड़ा आएगा क्योंकि आजकल टीचरों को ना थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए तो निश्चिंत रहो हम धुआं मचा देंगे। तो भैया जितने बिहार वाले बच्चे हैं ये मान के चलो कि एक्सपेक्टेड आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सीडीपी मैथ रीजनिंग और जीके जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी रही बात, थोड़ा आप लोग असमंजस में हो कि लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आएगा या नहीं आएगा, ये आपका जैसे ही विभाग के पास नोटिस आता है आपको पता चलता है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ लैंग्वेज होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जो बीपीएससी कराई है हेडमास्टर का उसमें लैंग्वेज नहीं था, तो अब देखो चांसेस 50-50 के हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और लैंग्वेज में बहुत दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं, जाहिर सी बात है, थोड़ा इंग्लिश हिंदी संस्कृत होगा जो भी होगा तो 10-10, 5-5 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऑलमोस्ट होना चाहिए। एक टीचर बनाया जा रहा है तो सभी लैंग्वेज की जानकारी आपको होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या होता है सिलेबस। तो ये तैयार रहिए कि आप लोगों का जो चयन होने वाला है अब सुपर टेट के अकॉर्डिंग होने वाला है, बिहार में 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी तैयारी से आपको हर अटेम्प्ट देना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखो कि ये वैकेंसी ऑलमोस्ट आपके बोला जा रहा है 2.5 लाख के अप्रोक्स, ठीक है। तो ये 2.5 लाख के अप्रोक्स ही वैकेंसी होंगी, 2.5 लाख के अप्रोक्स ये वैकेंसी है। तो सभी लोग एकदम तैयारी से लग जाइए। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप सभी इस वीडियो के कमेंट में बताइए सर मुझे ये करना है। आप लोगों को हर एक मैटर चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, कहीं भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आपको टीचर पढ़ाएगा और अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये बैच आपको जल्द ही देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये यूट्यूब चैनल पर आपको चलाया जाएगा। आप परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको पूरा इस बैच का जितना डिटेल है आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।